नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह का समर्थन कर रहे साधु संतों ने कहा कि हम कांग्रेस का खुला समर्थन करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि भोपाल के राजीव गांधी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हजारों संत महात्मा महापुरुष जो हमेशा भाजपा के साथ खड़े रहते थे, वह आज भाजपा के विरोध में खड़े हैं और कांग्रेस के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यह स्थिति क्यों आई, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जिसने हिंदू धर्म के नाम पर देश के करोड़ों हिंदुओं को धोखा दिया है। कभी राम के नाम पर, कभी जनता के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी धारा 370 के नाम पर, निरंतर सिर्फ धोखा ही दिया है। और 2014 में जब चुनाव शुरू हुआ था, तब उन्होंने जितने वादे किए थे उसमें से एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। तीन तलाक पर तीन तीन बार सरकार ऑर्डर्स लाई, लेकिन राम मंदिर का जिक्र तक नहीं किया। इससे देश के संतों का बड़ा आघात लगा है और देश के संत महात्मा, पूरा समाज अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। इसलिए देश के प्रमुख संतों ने यह फैसला किया है कि महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी का खुला समर्थन किया जाएगा। हजारों संत महात्मा महापुरुष जो हमेशा भाजपा के साथ रहते थे, लेकिन इस चुनाव में भाजपा के विरोध में और कांग्रेस के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यह स्थिति क्यों आई, उसके जवाब में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने हिंदू धर्म के नाम पर देश के करोड़ों हिंदुओं को धोखा दिया। कभी राम के नाम पर, कभी गंगा के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी धारा 370 के नाम पर निरंतर धोखा दिया। 2014 में जब चुनाव शुरू हुआ था, तब इन्होंने जितने वादे किए उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तीन तलाक पर तीन तीन बार ऑर्डिनेंस लाए, लेकिन राम मंदिर का जिक्र तक नहीं किया। इससे देश के संतों को बड़ा आघात लगा और देश के संत महात्मा, पूरा समाज अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। इसलिए देश के प्रमुख संतों ने यह फैसला किया है कि महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी का खुला समर्थन किया जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के खिलाफ जो अमर्यादित टिप्पणियां की हैं, अशोभनीय बातें की हैं, वह इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में कभी न हुआ और न उसकी उम्मीद की जा सकती है। भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।